हेलो दोस्तों, मैं हूँ धर्मेश दुदात, सूरत सिटी गुजरात से। दोस्तों, आज हम हेलिक्स ऑप्शन जो है वो सीखने वाले हैं। हेलिक्स मतलब जो वेणी बनाते हैं वायर जैसा, वो कैसे यूज़ करना है, कितना मेटल रखना है, क्या है, वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो देखिएगा। तो वेणी सबसे पहले मैं एक आपको एक डिज़ाइन दिखा देता हूँ। डिज़ाइन में कैसे बनाना है वो क्या, आप देख लीजिए। इसमें ये डिज़ाइन में ये वेनी बनाई हुई है। तो आपको अगर ये बनानी है, समझिए ये जो पट्टी है उसका मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। समझिए डिज़ाइन बिठा दिया है आपने, ये समझिए 0.8 का है, और ये 0.8 का है, और इतने जो लंबा है वो 30 mm तक बड़ा बनाना है। तो कितना और क्या मेज़रमेंट रखना पड़ेगा वो आपको देखना है। फिर अलग अलग मेज़रमेंट में कैसे बनाना है वो भी देखते हैं। पहले अभी ये 30 mm लंबा बनाएंगे और ये 0.8 का वेनी बनाएंगे। तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 30 mm का सर्कल ले लेना है, जिससे पता चले कि ये इतना लंबा बनाना है 30 mm का। और 0.8 का एक सर्कल लेना है, तो 0.8 सर्कल ले लिया, इतना ये ब्रॉड रहेगा वेनी। तो अभी समझिए, कर्व में जाके ये वाला ऑप्शन लेना है, हेलिक्स वाला। ये हेलिक्स ऑप्शन लिया, एक क्लिक यहाँ पे करना है और एक क्लिक यहाँ पे करना है। जो वेनी है उसका मेजरमेंट देखना है, मतलब अभी एक बार डायमीटर पर क्लिक कर दिए। ये जो 0.8 का बनाना है तो हमें उसका आधा यहाँ पे लिखना है, मतलब यहाँ पे लिख देना है बाहर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 0.4 लिख के एंटर दबा दीजिए, तो अभी ये लॉक हो जाएगा। तो अभी इसका जो टर्न कितना लगने वाला है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम अंदाज से अभी लगाना है। समझिए, अभी मैं 70 लगाता हूँ, 70 टर्न लगाए और ये लॉक हो गया। अभी क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके पाइप देना है, पाइप कितना देना है डायमीटर पे क्लिक कर दिया। पाइप जितना हमें मेटल बनाना है उससे आधा देना है, मतलब 0.8 का बनाना है तो 0.4 देना है। 0.4 दे के दो बार एंटर दबाना है। तो ये देखिए, ये बन गए। इसमें ये जो मेजरमेंट है, कभी अभी ये दोनों के बीच में जगह है, लेकिन ये सबसे पहले इसका मेजर देखना है, ये 0.8 का हुआ कि नहीं हुआ है। ये 0.8 देख लो, ये हो गया 0.8 का, तो 0.8 का हो गया, और लेकिन ये बीच में थोड़ी जगह आ गई है, मतलब थोड़े टर्न है वो कम है। तो इसको क्या करना है, ये फिर से डिलीट कर देना है और फिर से नया लेना है। फिर से ये ले लिया, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक, और ये जो 0.4 था वो लिखना, 0.4 लिख के एंटर। ये जो टर्न है, मतलब दोनों के बीच में थोड़ी जगह थी, मतलब टर्न है तो थोड़े बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 74 कर देता हूँ, 74 लिख के एंटर। फिर यहाँ पे पाइप लिख के इस पे 0.4 का पाइप बना देना है। ये बन गया, ये देखिए एकदम टच हो गया। ये वेनी है वो ऐसे ही बनाना है आपको, ये दोनों के बीच में गैप भी नहीं रहना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के अंदर इंसर्ट भी नहीं होना चाहिए। ये भी देख लीजिए 0.8 का हो गया कि नहीं हुआ, 79 मतलब 0.8 का हो गया। अभी ये जो 0.8 का मैंने ऐसे और ये 30 mm का बनाए, अभी दूसरा मेजरमेंट में देखते हैं। ऐसे हम 0.7 का बनाते हैं और ऐसे 20 mm का बनाते हैं। तो एक 20 mm का सर्कल लेना है और एक 0.7 का सर्कल लेना है। तो ये जो 0.7 है तो हमें मेजरमेंट हर जगह पे उसका डिवाइड 2 करके 0.35 आएगा, तो वो 0.35 लेना है। 0.7 का डिवाइड कर दिया 2 तो 0.35 आ जाएगा। तो वही ऑप्शन लेना है हेलिक्स में, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर ये जो है वो 35 लिखना है, 35 लिख दिया। अभी ये जो हमने टर्न लगाए थे 74, वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो 30 mm था और ये 20 mm है। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, एक बार करके देख लेना है कितना आता है। कर दे दिया, और सॉलिड में जाके इसको पाइप देना है 0.35, मतलब 0.7 का बनाए तो 0.7 आपको कहीं पे भी लिखना नहीं है, उसका जो आधा रहता है वही आपको लिखना है। 0.7 लिख के 0.35 लिख के एंटर दबा दीजिए। ये देखिए, ये दोनों के बीच में अभी गैप आ रहा है, मतलब टर्न आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर से वही प्रोसेस करना है, खाली टर्न बढ़ा देना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये 35 लिख के ये जो टर्न है वो मैं 60 कर देता हूँ, और इसको फिर से पाइप दे देता हूँ। ये पाइप दे के दे, एक एक दूसरे के अंदर अभी ये इंसेट हो गया, ये भी नहीं चलेगा। तो इससे
थोड़े टर्न हैं वो कम कर देते हैं। अभी 60 है तो उसकी जगह पे 55 कर देते हैं। फिर से वही पाइप लगा देना है। अभी ये हो गया, देखिए ये जैसे हमें बनाना था वैसे हो गया। अभी ये इसका मेजरमेंट देख लीजिए कितने का है, हो गया 0.7 का। ऐसे ही आपको बनाना है। अभी ये मैंने जो 0.8 का बनाया था और ये 0.7 का, मतलब जितना आपको बनाना है उससे आपको कम लेना है, कम मतलब उसका आधा लेना है। मतलब जो भी है 0.8 रहेगा तो 0.4 आएगा, 0.7 रहेगा तो 0.35 आएगा, 0.6 होगा तो 0.3 आएगा। ऐसे अलग अलग मेजरमेंट, और ये जो डिज़ाइन के हिसाब से आपको रखना है, 20 mm, 30 mm, आपकी डिज़ाइन में जो 22 mm है, 30 mm है, उसके जैसे ही लिखना है। अभी समझिए, ये तो मैंने अभी सीधा बनाया है, वही भी आपको ऐसे डिज़ाइन में बनाना है जैसे ये डिज़ाइन में था। यहाँ से ऐसे डिज़ाइन है तो डिज़ाइन में कैसे बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक कर्व बना देना है। मतलब जैसा डिज़ाइन है वैसा आपको कर्व बना देना है। तो इसको अभी जब ये हेलिक्स लेंगे ना, अभी इसमें भी आपको फिक्स करना है कि 0.7 का बनाना है या 0.8 का। तो हमें अभी 0.7 का बनाना है, वही रखिए। तो ये कर्व ड्रॉ कर लिया, तो आपको वही ऑप्शन लेना है हेलिक्स, और ये जो ऑप्शन है राउंड कर्व उस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना, मतलब ये कर्व पे बन जाएगा। तो आपका जो इसका जो मेजरमेंट है वो आपको अपने आप से ही देखना पड़ेगा। अभी समझिए, इसमें भी 0.7 का ही बनाना है तो इसको यहाँ पे 0.35 लिखना पड़ेगा। 0.35 लिख के अभी टर्न में उतने ही रहने देता हूँ, एक बार पाइप करके देख लेते हैं। 0.35 पाइप दे दिया, और यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, तो मतलब ये दोनों को डिलीट कर दीजिए। फिर से वो एक कर्व ले लीजिए, राउंड कर्व ऑप्शन ले ली, ये ले ली। 55 है उसकी जगह मैं 70 कर देता हूँ, 70 टर्न, और ये तो 0.35 रहेगा। ये पहले लॉक कर देना है, उसके बाद ये टर्न चेंज करना है। और फिर से वही पाइप दे देते हैं। अभी देखिए, अभी भी दोनों के बीच में गैप आ रहा है, मतलब अभी भी ज़्यादा बढ़ाना है आपको। फिर से वही ऑप्शन ले लिया, 0.35 लिख के एंटर, और 0.70 उसकी जगह पे 75 कर दीजिए, और फिर पाइप दे दीजिए। ये हो गया, ऐसे डिज़ाइन में हो गए। ये तो इस तरह करना है आपको। अभी समझिए, सीधा करना है तो मैंने जैसे बनाया है वैसे ही आपको बना देना है। अगर डिज़ाइन में बनाना है तो उस इसके जैसा बनाना है, और अलग अलग शेप में भी आप बना सकते हैं, पियर शेप में, राउंड में, सब में ये टूल्स। लेकिन कहो एकदम सीधा डिज़ाइन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये इतना इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू।